और ये मैं आपको बता पा रहा हूँ। जो पैरट ज्यादातर जिनकी डेथ होती है ना, तो वो सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल, और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। 4 साल का, तो 4 साल का होने वाला है, और ये है इसको हम वही देते रहता है उससे भी, और उससे क्या है एक्टिव भी रहते हैं। अगर इनका डाइजेशन अच्छा है, पानी में मिला के भी आप लोग रख सकते हो, एक या दो ड्रॉप अपने हाथ से पकड़ के मुंह में डाल सकते हो, बाकी पानी में तो आपको रखना ही है। ज्यादा डोज मत देना, आपको तो बचपन से पिलाते आए हम, भी लेजी फील करता था तो हम लोग पिला देते थे। काफी अच्छा है, सेहतमंद है, जो कभी कभी बाल भी झड़ते हैं, मिट्ठू मरते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे कमेंट आते हैं कि हमारा मिट्ठू कुछ नहीं बोल रहा है ना कुछ खा रहा है। लाओ चोंच साफ कराओ, अपनी चोंच साफ कराओ, चोंच साफ करा लो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और ये तेरे मुंह पे क्या हो रहा है, तेरे पर झड़ रहा है। गाइस मिट्ठू के ना पर झड़ रहे हैं, क्या करें। अभी एक न्यू पाइपलाइन ड्रॉप आती है, वो ड्रॉप हम लोग इसको देंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। और गाइस और किसी की भी पैरट को ऐसा पर वर झड़ते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इनको न्यू पैप्टाइन ड्रॉप दे देनी चाहिए, वो इनके लिए काफ़ी सही रहती है। न्यू पैप्टाइन ड्रॉप आती है तो उसको मतलब ज़्यादा नहीं देना है, पानी में इनके पानी में मिला के भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है, ताकि मतलब कभी भी पानी पिए तो उसके ज़रिए से ही इनके अंदर चली जाए और इनकी जो सेहत है वो सही रहे, क्योंकि उनसे इनका डाइजेशन वगैरह सही रहता है। तो अगर इनका डाइजेशन अच्छा है तो ये हेल्थी हैं, और बाकी सब कुछ है, सब कुछ इनका पेट से ही है। मतलब यार पेट से तो सारी, मतलब पेट तो एक इंजन होता है, भले वो इंसान का हो या जानवरों का हो, पेट सही है तो सब कुछ सही है, सेहत सही है, ठीक है। पेट सही ना तो कुछ भी सही नहीं है, और फिलहाल मेरा पेट थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़, और ये मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। सो न्योपेप्टाइन ड्रॉप किसी का भी पैरट हो तो उसको दे सकते हैं। और हाँ गाइस ज़्यादा डोज मत देना, फिर कभी मेरे को बोलो कि यार हम लोगों ने ज़्यादा डोज दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ज़्यादा डोज नहीं देना है, उसके पानी में मिला के रखना है। और दिन में एक बार आप लोग ड्रॉप भी दे सकते हो, दो, एक या दो ड्रॉप अपने हाथ से पकड़ के मुंह में डाल सकते हो, बाकी पानी में तो आपको रखना ही है, उससे क्या इनका डाइजेशन वगैरह थोड़ा सही रहता है। ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं है, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके लिए है। मिट्टू आपको तो बचपन से पिलाते आए हम न्यू पेप्टाइन ड्रॉप। ओए होए 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 होए, जैसे इसको पर झड़ते थे ना, और जैसे कभी कभी लेजी फील करता था तो हम लोग पिला देते थे तो ये सही हो जाता था। तो ये काफ़ी सही है, और आप लोग भी प्लीज़ इसका ट्राई कर सकते हो आप लोग भी इस चीज़ का। तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुरू से ही हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की है। मिट्ठू होने वाला है 4 साल का, तो 4 साल का होने वाला है, और ये है इसको हम वही देते हैं न्यू पेप्टाइन ड्रॉप। काफ़ी अच्छा है, सेहतमंद है, जो कभी कभी बाल भी झड़ते हैं, साल में एक बार तो बाल झड़ते ही हैं इनके, सो तब भी दे देते तो थोड़ा ठीक हो जाता है उससे भी, और उससे क्या है एक्टिव भी रहते हैं, और जो है जो और जो बीमारी लगने वाली होती है उससे भी बचे रहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जो मिट्ठू मरते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमारा मिट्ठू कुछ नहीं बोल रहा है ना कुछ खा रहा है, तो रीज़न होता है कि उसका पेट सही नहीं है, उसका पेट सही नहीं होता ना तो वो सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल, और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता, ना कुछ पीने का मन करता, मुंह ही नहीं खोलते वो लोग, ठीक है। और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा कभी कभी उनको प्रॉब्लम लगती है, तो पेट से ही ये सारी चीज़ होती है। जो पैरट ज़्यादातर जिनकी डेथ होती है ना, या तो वो डर की वजह से होती है कि वो डर जाते हैं किसी चीज़ से, क्योंकि उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है तो वो डर जाते हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर पेट, पेट बड़ा मेन रीज़न है कि इनकी डेथ का। जो भी मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह होती हैं, इनका सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो स्टमक का होता है, स्टमक अगर सही नहीं होता ना तो इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। और वो जो न्यू पेप्टाइन ड्रॉप है वो इनका डाइजेशन बहुत अच्छा रखती है, इस वजह से इनकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब सॉल्व हो जाती है। सो भाई इस चीज़ का आप लोग कीजिए, ठीक है। ये मेरे को किसी ने बताया नहीं, बट ये हमारा एक्सपीरियंस है, किसी एक डॉक्टर ने बताया था बहुत पहले, बहुत पहले, तो हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ किया, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मिट्ठू हमारा बिल्कुल हेल्थी है और मस्त है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमारे मिट्ठू कोई भी बीमारी नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह अपनी रहमत बरसाए रखे, मिट्ठू हमेशा ऐसे ही रखे, और सबके मिट्ठू को अल्लाह अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे, और सबके मिट्ठू बोले मेरे मिट्ठू की तरह, और मेरे साथ फ्रैंक जैसा मेरा मिट्ठू रहता है, आप लोगों के साथ भी आपका मिट्ठू फ्रैंक रहे, ठीक है। और गाइस थोड़ा एक्चुअली ये इग्नोर करना, मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा कुछ काम वगैरह था तो इस वजह से हुलिया मेरा ऐसे ही हो रहा है, तो
इस वजह से थोड़ा इग्नोर करना उस चीज़ को, और जो मैंने बोला है वो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और हाँ, ये ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको देनी तो है डोज, लेकिन बहुत अपने हिसाब से देनी है, लेवल से। मिट्टू इधर देखो, हिसाब से देनी है, ये नहीं कि भाई, और हाँ ये नहीं कि भाई बहुत अब दे रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे मिट्टू बहुत ज़्यादा परेशान है तो हम पूरी की पूरी ड्रॉप ही हम उसको दे रहे हैं, पूरी की पूरी जो आती है पूरा भर के दे रहे हैं। नहीं यार, ये ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। कोई भी चीज़ अगर उसको हम लिमिट से लेते हैं तो जब ही वो फ़ायदेमंद होती है, वरना वो भी खतरनाक से भी खतरनाक हो सकती है, वही सेहतमंद चीज़, वही फ़ायदेमंद चीज़। अगर हम उसका डोज नहीं सही से ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं तो वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज़ का यूज़ सही तरीके से करें, सही लिमिट में करें, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ गाइस, कभी फिर बाद में आप मेरे को बोलो कि हमने तो पिलाया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। ओ भाई, भाईजान कैसे हो, और कैसे हो मेरे बेटे? न्यूपेप्टाइन ड्रॉप पीने का टाइम आ गया है या नहीं, बोलो? न्यूपेप्टाइन ड्रॉप पीने का टाइम आ गया है मेरे मिट्ठू का, नहीं आया? बताओ, हैं, पियोगे? किसी कर दो, किसी करो। अरे राज हो गया मुझसे, रोटी दो, रोटी दूंगा तभी ठीक हो जाओगे आप। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे भाई मुंडी हिला के मिठ हो, रोटी दो रे, हैं, न्यू पेप्टाइन पिला दूंगा और एक्टिव हो जाओगे, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि बैंगन नहीं खिलाने चाहिए मिट्ठू को। सो यार ऐसा तो मैं बचपन से अपने मिट्ठू को बैंगन खिलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो होने होने वाली बात है, या फिर एक्चुअली ऐसा होता है कि यूज़ टू हो जाता है हमारे पैरेट का वो चीज़ जैसे हम बचपन से देते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है। बट मैं तो अपने मिट्ठू के लिए स्पेशली बैंगन ही लाता हूँ। और यहाँ की सब्जी वाली आंटी भी बोलती है बैंगन, वो भी तुम्हारा पोपट खाता है, बैंगन चाहिए? बोलती है 10 रुपये का बैंगन खाएगा तू? मैंने पोपट के लिए चाहिए मौसी, पोपट के लिए। तो मतलब पोपट बैंगन का खाता है, पोपट को बैंगन नहीं देना चाहिए। सो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं पोपट को बैंगन नहीं देना चाहिए, और सही में नहीं देना चाहिए, पर हमारा पोपट बचपन से खाता है, आप लोग देख ही सकते हो रिजल्ट जो सामने रहता है। यकीन बंदा किस चीज़ पे करता है जो उसके सामने रिजल्ट हो। अब किसी ने कुछ कह दिया कि ठीक है, बंदा मानने लगा, स्पेशलिस्ट की बात भी जो है गलत साबित हो जाएगी जब अपनी नज़रों से देखी हुई चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो किसी स्पेशलिस्ट की बात भी यकीन नहीं करोगे। तो यही मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हाँ ये नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन हमारा पैरेट जो है बैंगन मज़े से खाता है, रोज़ एक एक काट के मैं उसको देता हूँ, बाकी मिर्ची विर्ची तो देते ही रहते हैं। और भाई अपने पैरेट की हेल्थ का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखें। तो मैंने बताइए न्यू पेप्टाइन ड्रॉप, तो उसका ध्यान ज़रूर करें, चाहे तो आप लोग गूगल पे भी उसको सर्च करके देख सकते हो, वो वैसे ह्यूमन बेबीज़ को भी दिया जाता है, ठीक है। सो हम लोग पैरेट को भी दे सकते हैं वो चीज़, हो मिट्टू। चलो गाइज अभी वीडियो एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।